है मेरा आउटफिट ऑफ द डे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है थर्सडे, तो हेल्थ अपडेट ये है कि अब बुखार आना बिल्कुल बंद हो गया, पर मुंह एकदम कड़वा हो गया है, आवाज भी देखो वीकनेस है। तो मैं बहुत सारे विटामिन ले रही हूँ, विटामिन डी ले रही हूँ, B6 ले रही हूँ, और आज मैंने पहली बार योगा भी किया। तो हम ये थर्सडे से मैं व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे, जैसे ही बुखार उखार गया तो सबसे पहले मैंने बेडशीट चेंज कर दी, अपनी रजाई निकाल दी, ये दूसरी धो के यहाँ रख दी है, सारा माहौल चेंज कर दिया। वैसे भी कैंडल वैंडल लगाती तो ये ऑरा भी चेंज करना जरूरी होता है। तो आज मैंने एक वीडियो बनाया है जो जिसके मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें मैंने जो मैंने जेम्स खरीदे हैं, क्रिस्टल्स, और क्रिस्टल्स का क्या फायदा होता है, ये आपको सब अच्छे से पता चल जाएगा। इट्स 2 मिनट्स वीडियो। तो ट्यूजडे हो चुका है, मैंने आज पहली बार योगा किया। योगा में मुझे पसीना आ रहा था, और फिर वो जो हमारा लास्ट टाइम वाला अनबॉक्सिंग था उसमें से ये एकदम कॉटन है, सूती है बिल्कुल, ये देखिए से लंबा सा घुटने के नीचे, और उसमें ना दो बेस्ट थिंग, इसमें दो पॉकेट से ऐसे टाई डाई का, और मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। गर्मियां चल रही है तो मैंने सोचा चलो अच्छे से फ्रेश नहा के फिर योगा के बाद कपड़े भी अच्छे पहनो, थोड़ी लिपस्टिक भी लगाओ, काजल भी लगाओ, बीमार है तो बीमार है। और देखिए मेरा ये मेरा स्पंजी है क्योंकि गर्मी हो रही थी, फिर योगा के टाइम आई हैव टू टाई, तो ऐसे बाल कोम करके मैंने ऐसे टाई कर दिया है। पहले मेरे रूट्स इतने कमजोर थे ना कि ऐसे करो तो बाल निकल जाते थे, अब इतने मजबूत हो गए। कैसे, आप मेरे प्रोफाइल पे जाइए, वीडियोस को चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन से ऑयल्स बनाए थे, क्या क्या हेयर रीग्रोथ के, क्या क्या मैंने हेयर रीग्रोथ के लिए किया, क्या लिया और क्या लगाया। चलो बाद में मिलते हैं ना। तो ये मैंने आज नहला दिया है पीस को, बहुत गर्मी हो रही है तो पीस भी दही चावल खा रही है। पीस खाना अच्छा है दोस्तों। तो मैंने पीस को नहला दिया है और अपने लिए लाया है ये मेरा डेली का ड्रिंक, जिसमें होता है, इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और सब। गर्मी बहुत पड़ रही है और मैं जो कि रिकवर हो रही हूँ, मतलब वायरल खत्म, पर जो वीकनेस है क्योंकि एक टास्क पूरा कर लेती हूँ तो ऐसा लगता है हाईराम बैठ जाऊँ थोड़ी देर, और मुझे
तीन तारीख को बाहर जाना है मुंबई से, तो आई बेटर पुल अप माई सॉक्स एंड रेस्ट वेल। इलेक्ट्रोलाइट्स इसलिए क्योंकि वो बार बार पसीना आता है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूज होते हैं, मैं बार बार सबको बताती हूँ। तो मैंने कंप्यूटर लैपटॉप अपना ऑन कर दिया है और देखती हूँ कुछ। मैंने आज मंत्र जाप भी किया दो बार, फिर रूटीन तो आप जान चुके, तो मैं बस योगा करूंगी। और हाँ, क्रिस्टल्स के बारे में और एक बात बोलूंगी कि क्रिस्टल्स आपको सोने से पहले रात को निकाल के रख देने चाहिए, क्योंकि दे इंटरफेयर विथ योर स्लीप। और तो आज तो खाने का मतलब शाम तक नहीं होगा, ये व्लॉग मैंने शुरू किया था कल थर्सडे, आज फ्राइडे है। अगला व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मैं पहली बार डेढ़ साल में मुंबई शहर से बाहर जाऊंगी, एंड ट्रैवलिंग इज माय पैशन, मुझे बहुत मजा आता है, पर अनिवार्य कारणों की वजह से नहीं जा पाई थी। तो मैं सोच रही हूँ आज क्या बात करें हम। आज हम बात करेंगे कैल्शियम और K2। K2 एक विटामिन होता है जो कैल्शियम, एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है ना आर्टरीज में, सॉफ्ट टिश्यूज में, जॉइंट्स में, जो आपको पेन होता है या उसको वहां से हटाता है और सही जगह पहुंचाता है। तो बिना K2 जो MK7 सीरीज का हो, आपका कोई भी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, गलत जगह जाके बैठेगा, तो आप देखिए 40s में या 50s में फिर वो सारी प्रॉब्लम्स हमें होने लगती है। तो ये K2 किसी भी कंपनी का ऑनलाइन पे मिल जाता है। देखिए पीस पीछे खाना खा के मस्त बैठी, अभी सोएगी, आज नहाई है ना, नहाने के बाद बच्चों जैसा उनका बदन खुल जाता है, सोते रहते हैं। और लेते हैं कैल्शियम, यूँ तो मैं भी पहले नहीं जानती थी, तो कोई भी कैल्शियम ले लेती थी, पर अब मुझे समझ आया जब, तो मैंने शुरू किया। तो CCM ये वाला जो होता है कैल्शियम मैलिएट वाला, वो लीजिए क्योंकि एब्जॉर्ब होता है, बाकी सब तो पत्थर बन जाते हैं अंदर जाके, लाइम स्टोन्स की तरह, और कुछ काम भी नहीं देते हैं। तो मिक्स के साथ लीजिए, तो वायरल से जब आप रिकवर हो रहे हो तो एकदम उछल कूद मत करिए, रिकवरी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैं जैसे अभी किया एक काम, अब मैं ये नहीं, मैंने लिया इलेक्ट्रोलाइट सब्जा, सब्जा पेट को ठंडा रखता है, फाइबर है उसमें, अनगिनत फायदे हैं सब्जा के, ठीक है, जैसे उस दिन चिया सीड्स के बताए थे। तो ये लेती हूँ, फिर कोल्ड कॉफी लूंगी थोड़ी देर बाद और आराम से योगा करूंगी। आज मुझे ATM भी जाना है क्योंकि आज 31 तारीख, तो कई सारे बिल आ जाएंगे 2 तारीख के, तो भरने तो पड़ेंगे ऑनलाइन ही होना, क्योंकि मंडे तो मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो वह ट्रिप करनी पड़ेगी। पर उससे पहले मैं अपने आप को रिहाइड्रेट अच्छे से कर लेती हूँ, फिर शाम को तो आप लोगों को पता है कि मेरा जो मैजिक जूस है आंवला वाला, वो लेती हूँ मैं। अभी सोच रही हूँ और एक्सेस कहीं से विटामिन सी मिले तो ले लेना चाहिए। अब मैं जब जा रही हूँ ट्रैवलिंग के लिए, तो पैकिंग में मैं क्या कर रही हूँ, जो चीज़ें मैं यहाँ करती हूँ अब वो फ्रेश जूसेस तो नहीं मिलेंगे, तो मैंने आंवला और एलोवेरा ये सारा वेले हर्बल, आपने देखा था अनबॉक्सिंग में, जूस मंगा लिया था मैं एक कॉफ़ी का नॉट प्लास्टिक साशे वाला बड़ा ऐसे 250 ग्राम का साथ में रखूँगी, ताकि गर्म पानी तो कोई भी दे देता है। और रखूँगी अपना MCT ऑयल, ये मेरा खाने वाला जैसे, और एक डब्बे में इलेक्ट्रोलाइट्स, और या एक साशे बना दूंगी ऐसे जिसमें इलेक्ट्रोलाइट, एसेंशियल अमाइनो और कोलेजन पेप्टाइड, यस बहुत ज़रूरी है। वैसे तो कोलेजन हमारे बॉडी में ही बनता है, कोलेजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल्सो द मसल फेस इलास्टिसिटी। कोलेजन इज, जब कोलेजन कम होने लगता है ना तो झुर्रियाँ आने लगती है, क्रोफिट होता है, ये वो सब तभी होता है। धीरे धीरे 25 साल के बाद कोलेजन का प्रोडक्शन बॉडी में बंद हो जाता है, इसलिए हमें ऊपर से वो लेना ही पड़ता है। तो मैं कम तीनों को मिक्स करके सैशे में कर दूंगी, मतलब मैं ट्रैवल पैकिंग बता रही हूँ। फिर एक इसमें मैं अपने बेसिक कॉस्मेटिक्स रख दूंगी, जैसे सनस्क्रीन तो मैं अपने पर्स में रखूँगी, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। फिर जो मेरा एक कुमकुम आदि ऑयल है छोटी सी बॉटल में पैक में है, एक काजल पेंसिल, काजल फैल जाएगा तो लाइनर देखते हैं जो भी सूटेबल है, ऐसे एक छोटा पाउच वो कर दूंगी। और लिपस्टिक एक दो, मेरी तो इतनी छोटी छोटी होती है, छोटी छोटी लिपस्टिक, वो भी जस्ट हर्ब्स की। आमतौर पे बहुत कॉस्मेटिक लिपस्टिक बार बार लगाने से आपके लिप्स ब्लैक हो जाते हैं, तो
तो मैं जितना चाहो दूर भागती हूँ चीजों से, पर लगाती हूँ कि अच्छा लगता है, राइट। तो ऐसे छोटे छोटे चीजें, ये हो गया मेरा ब्यूटी पाउच, वो हो गया ये, फिर जो वाइटामिन है वो इतनी बड़ी बड़ी बॉटल में आते हैं, मैं तो ले ही रही हूँ, ओमेगा फैटी एसिड्स, कैल्शियम है, के टू है, सेलिनियम मैं लेती हूँ क्योंकि मुझे हाइपोथायरॉयड है, सेलिनियम हेल्प्स कन्वर्ट द इनएक्टिव थायराइड हार्मोन टू द एक्टिव थायराइड हार्मोन, और सेलिनियम होता है ड्राई फ्रूट्स में, अखरोट बादाम या वो उतना नहीं खाते, डेफिशिएंसी होने की वजह से जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर वो नट्स खाने से इतनी हेल्प नहीं होती, आपको कैप्सूल मतलब लेनी ही पड़ती क्योंकि वो मात्रा बहुत एक कैप्सूल में ज़्यादा आ जाती है, और नट्स कितना खाएंगे, गर्मी भी है, राइट। उसका फालूदा बना के आप ज़रूर खा सकते हैं, जैसे मैंने योगर्ट बनाया था। तो मैं क्या करूँगी कि अलग अलग छोटे, मेरे पास एक छोटा सा मेडिसिन बॉक्स है, उसमें डेली का डाल दूँगी, मैं जा रही हूँ 6 दिन के लिए तो उस तरह से मैं उसमें डाल दूँगी ताकि मुझे आसानी हो जाए। तो हो गया छोटा छोटा, इसको बोलते हैं ट्रैवल लाइट। तो मैंने गिने तो 5 दिन हैं ट्रैवल के लौटने तक, तो फिर मैं 5 आउटफिट रखूँगी, बहुत लाइट वेट, और नाइट सूट रखूँगी 1 या 2, जो नाइट सूट कम ट्रैक पैंट टाइप काम आ जाएंगे, सारे कॉटन के कपड़े हैं क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे भी होगी, मुंबई तो अभी इतना गर्म नहीं है, और हमें मुंबई की आदत हो चुकी है, यहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी भी होती है ना, पर जब खड़ी धूप लगती ना तो वाट लग जाती है, तो वो तो आपको व्लॉग में पता चलेगा हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं क्या करें, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। तो आज मैं सोच रही थी, ये तो हो गया विटामिन का, हेल्थ टिप्स का, क्योंकि अब मैं ब्लॉग क्लोज करने वाली हूँ, तो रिकवरी में आपको ये सारी चीज़ें लेनी है, सारे विटामिन्स लेने हैं, अच्छी डाइट लेनी है, मुझे क्योंकि फास्टिंग करने की आदत हो गई है, वरना मैं सुबह 100 कैलमेंस लेती, काढ़ा तो मैंने अपना पी लिया, कॉफ़ी भी पी लिया आपने देखा, अब ये तीसरा मेरा ड्रिंक है 2-3 घंटे बाद, क्योंकि मैंने इसको नहलाया है, ड्राई किया है, और भी काम किए हैं, मंत्र पढ़े है, अपना प्राणायाम ध्यान किया है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा देखते हैं रेस्टिंग, फिर सेकेंड सेशन ऑफ एक्टिविटी, तो ये रुक रुक के एक्टिविटी हमें करना है, और धीरे धीरे दिन भर भी हमें अपने अंदर कुछ ना कुछ डालते रहना है जो हमको रिकवरी में ताकत दे। तो जैसे विटामिन डी है वो भी लेती, मैं D3 लेती हूँ, विटामिन B6 बहुत इम्पॉर्टेंट है, B12 बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार नहीं लेना आपको ना, हफ्ते में 4 विटामिन्स डिसाइड कीजिए, 1 महीना एक को एक सेट को मारिए, 1 महीना दूसरे सेट को मारिए। तो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाती हूँ और उसी के साथ खत्म करती हूँ, रात में बहुत टाइम मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मैं बहुत ही एक मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत ही छोटे शहर में नांदेड़ में पली बड़ी हूँ, गुरुद्वारा है माँ गुरु गोबिंद सिंह जी का, तो उसके पीछे ही हमारा घर था किराया का, और मेरी मदर बहुत मेरी मदर बहुत ही करेजियस टाइग्रेस की तरह बहुत रिबेलियस, और उन्होंने अपने दम पे पूरा करियर अपना बनाया है, और उनकी वो स्ट्रगल सारी मैंने देखी, तो मैं अपने हिस्से का काम करती थी, तो घर भी संभालती थी, और मैं साधारण इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ, मैं कोई ये जैसे बच्चों को पढ़ाया मेरे जो मेरी अंग्रेजी बार बार करेक्ट करते रहते जैसे ICSE एंड ऑल दैट, नहीं, सिंपल नेहरू इंग्लिश स्कूल, इस स्कूल से पढ़कर आई, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ी, वहाँ से ग्रेजुएट होके जब मैं 91 में मुंबई आई हूँ तब से यहीं हूँ, और बचपन से ही मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छी थी, और मेरी खुशकिस्मत है कि जब तक मैं मेडिकल कॉलेज नहीं गई टीवी नहीं आया था, तो मैं बहुत सारी किताबें पढ़ती थी, और गर्मियां बचपन की याद दिलाती है, तो हम लोग बहुत साइकिल चलाते थे, गिरते थे, पढ़ते थे, तब हमको 1 घंटे पर साइकिल मिलती थी 50 पैसे की या 1 रुपए के ऐसे, और मेरे इस घर के सामने भी हनुमान मंदिर था, उसके बाजू में बालाजी टेम्पल था, तो मतलब मैं घिरी हुई थी, और हमारे लेफ्ट साइड में हमारे बस स्टॉप के पास है हमारी गोदावरी नदी, तो इतने प्यारे से शहर से मैं आई हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बॉलीवुड में आऊंगी या मेरा क्या रोल है,
पर बचपन से मुझे एक था कि अमिताभ बच्चन इज माई फेवरेट हीरो और वो उनकी फिल्म आएगी तो मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगी। उसके लिए मैं बहुत मेहनत करती थी, पढ़ाई करती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बहुत थी। पर मैं जब 9th स्टैंडर्ड में पहुंची तो मम्मी ने बोला अभी एक्स्ट्रा करिकुलर को एक्स्ट्रा करिकुलर रहने दो और पढ़ाई पे फोकस करो। एक बात जरूर है, चाहे मेरी मम्मा डांटे या बहुत स्ट्रिक्टली पनिश करे, पर मैं उनकी बात मानती थी। मुझे लगता था मुझसे ज्यादा नॉलेज इनको है लाइफ में सही गलत क्या होता है। तो अमिताभ बच्चन की बहुत डायहार्ड फैन थी। तो उसके बाद अमिताभ बच्चन जी लोकसभा में गए, मेरी मम्मी भी थी, तो वो शपथ तो बोलते अरे आज तो तुम्हारे हीरो आए। मुझे लगा हाय हाय। फिर उसके बाद और टाइम बीता तो वो मैं कॉलेज में थी, हॉस्टल में, तो सारी हमारी फ्रेंड्स सब अमिताभ बच्चन की फैंस थी। हम भी नांदेड़ आ रहे क्योंकि अमिताभ बच्चन नांदेड़ आ रहे थे कैंपेन के लिए, और मम्मी के साथ फ्लाइट में थे क्योंकि मेरी मम्मी ही उस समय वो इतने लेवल की लीडर थी और नेविगेटर थी उनकी। तो काफ़ी बातें पूछ रहे थे, तो उन्होंने बोला मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। तो उन्होंने कहा कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती है? तो अभी मेरी माँ ने कहा जी नहीं, वो मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर में। तो वो हंसने लगे, आप भी मेरी फ़ैन है, सो क्यूट। उसके बाद मैं बड़ी हुई, मैं मुंबई आई और मेरी मदर को राज्यसभा में वो मिला, अवसर मिला, उम्मीदवार हो गई। तो हम सरप्राइज देने के लिए, मैं और मेरा छोटा सा बेटा शिवम, हम लोग एयरपोर्ट गए। तो प्रेस वाले भी थे मिड डे वाले ने, तो वो जब आ रहे थे तो दे क्लिक्ड आवर पिक्चर ऑल्सो, उस समय मिड डे पेपर में आई थी मम्मी का, मेरा, शिवम का। उस फ्लाइट में भी अमित जी थे यार, उनकी मम्मा भी थी तेजी, वो लोग लखनऊ से आ रहे थे। तो मम्मी बोली अरे मैं फ्लाइट में सोच रही थी आज तो कविता मारेगी, मेरा घर का नाम कविता है, कि अमिताभ अमित जी अमिताभ बच्चन थे। लेकिन उससे पहले फिर मिस हो गया। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद एक बार मैं एयरपोर्ट पे गई थी और मैं मम्मा को सरप्राइज देना चाहती थी। मैं पार्किंग लॉट में खड़ी थी और सामने से अमित जी आ रहे थे। उनके एक बहुत फेमस एक वैन थी जो उनका ट्रेलर, उसको देख के मैं पहचान गई कि अमित जी तो है ही। तो पार्किंग में कोई भी नहीं था क्योंकि मैं पहले से जाके खड़ी थी, वो शायद पहले उतर जाते हैं VIP लोग। तो उन्होंने दूर से मुझे देखा और मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा, मैं बोला हाय ये मेरा हीरो। पर मुझ भी नहीं कहा गया था कि मैं तो डॉक्टर बन गई हूँ, अब वो अमित जी है तो मुझे कोई इंट्रोड्यूस करेगा, बस बात आई गई हो गई। तो ये थी आज की बॉलीवुड की स्टोरी, बचपन वाली। हर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरे बॉलीवुड एनकाउंटर्स और किन किन महान हस्तियों के साथ मैं जुड़ी रही, उनका आशीष रहा और मैं आगे बढ़ती गई। भले ही मेरा बहुत लंबा चौड़ा करियर ना हो, क्योंकि मैं बहुत चूजी हूँ और मैंने हर चीज़ को टाइम दिया, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को। तो इसलिए मैं आराम से काम करती हूँ। मतलब कैप्रिकॉर्न हो ना, गोट्स क्लाइंब बट वन स्टेप एट अ टाइम स्लो कुमार। तो आज का वीलॉग यही खत्म करते हैं। तो हमें फोकस करना चाहिए। फिर से एक बार रिवाइंड कर देती हूँ, वायरल के बाद रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्मी में वैसे भी वायरल हो ना हो, इलेक्ट्रोलाइट्स आपको लेना चाहिए, थोड़ा प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए, गुड फैट्स लेने चाहिए और ढेर सारे वेजिटेबल सैलड्स, जिस भी फॉर्म में आपको पसंद हो। गर्मी में खाना भूख नहीं लगती है क्योंकि, तो जिस भी फॉर्म में हो इसी को मेजरली लेना चाहिए। उसी में सारे विटामिंस, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट आ रहा है उसको लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। लोग ज़्यादा ले लेते हैं फिर वो गड़बड़ हो जाती है, और रोटी भी खाने का मन नहीं करता। मेरा तो बिल्कुल मुंह में स्वाद नहीं था, इसलिए देखा था कल रात के मेरे डिनर में मैंने चिकन का टिक्का के साथ वो पुदीने की चटनी खाई थी। पुदीना वैसे भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक मैं ले रही हूँ अजिथ्रोमाइसिन, वो पूरे गट हेल्थ को बर्बाद कर देता है, थोड़ा एंटीबायोटिक स्लो डाउन कर देता है। अब इसमें गर्म पानी पीना चाहिए पर मुझे पीना नहीं हो रहा है। तो ये फ्राइडे की दोपहर है, मैं पीती हूँ अपना इलेक्ट्रोलाइट्स और सब्जा और थोड़ा ठंडा होती हूँ, एक दो व्लॉग्स चेक करती हूँ और फिर अपने रूटीन में लग जाती हूँ। और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। आप देखा होगा व्लॉग में मैं उठती मिरर देखती थी, सबसे पहले स्माइल देती हूँ। किसको देती हूँ? वो स्माइल खुद को देती हूँ। हम पूरी दुनिया भर में अपनी स्माइल देते रहते हैं या चाहते कि कोई हमें खुश रखे, हंसाए, पर हम अपने आप को कभी स्माइल नहीं देते। एंड योर सोल इज पार्च्ड, इज थर्स्टी फॉर योर स्माइल, बिकॉज दैट इज वॉट इज इटर्नल। और अगले व्लॉग का इंतजार जरूर कीजिए, क्योंकि उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कब
कैसे और किसने मुझे अमिताभ बच्चन से फाइनली मिलवाया, इंट्रोड्यूस कराया, देखते रहिए।